सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयवीन, आप देख रहे हैं टेकी जयवीन। दोस्तों, मोटोरोला कंपनी अपने G7 सीरीज की 4 फोन लॉन्च कर दिए है ब्राज़ील में, जो वो ग्लोबली तो लॉन्च नहीं हुए पर ब्राज़ील में और मेक्सिको में ये सेलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और लॉन्च भी हो चुका है, जो कल लॉन्च इवेंट था इसका। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूँगा क्या कुछ इस 4 फोन में आपको इसमें नया मिलता है, इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी लॉजिक वीडियो लाता रहूँगा। तो हमारे जो पहले लिस्ट में जो पहला फोन है उसमें G7 है, तो G7 सीरीज का ये पहला फोन है। इसमें आपको 6.2 इंच की फुल एचडी प्लस की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाली यानी कि वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल आपको एक डिजाइन वाली डिस्प्ले मिलती है। ये मोटोरोला का पहला स्मार्टफोन ऐसा होगा, यानी कि पहली ये सीरीज का ऐसा स्मार्टफोन होगा इसमें आपको नॉच वाली डिस्प्ले आपको मिल रही है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको ग्लास मिलता है और एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको इसे मिल जाती है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी में आपको अच्छा स्मार्टफोन आपको इसमें मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 632 आपको चिपसेट मिल जाता है, जो एक 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें आपको ऑक्टाकोर पावर मिलता है, इसमें पहले जो 2-4 कोर और दूसरे जो 4 कोर है वो दोनों ही आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक मिल जाएंगे और इसमें आपको एड्रिनो का 506 का आपको जीपीयू मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में बेटर मिलता है। अब बात आते हैं इसमें रैम और स्टोरेज वेरिएंट, तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट आपको मिलता है जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, ये एक वेरिएंट आपको मिलता है, लेकिन आपको इसमें डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल जाता है जिसमें आपको 512GB तक इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट आपको इसमें मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, 12+5 मेगापिक्सल का सेटअप आपको इसमें मिलता है, f1.8 का इसमें एपर्चर मिलता है प्राइमरी कैमरे का, इसमें आपको 1.25 माइक्रोन लार्ज पिक्सल इसमें मिल जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग कैमरा इसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। सिंगल टोन LED फ्लैश आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन आपको 4K और 1080p तक की 13 FPS दोनों में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है कि आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको 4K तक का आपको मिल जाता है। अब बात आती है इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है जिसमें आपको 1.12 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज में मिल जाते हैं और इसमें भी आपको 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इसमें एक बुरी बात ये है कि आपको जो मेगापिक्सल काउंट है और जो सेल्फी है थोड़ी कम मिलती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, यदि 12 मेगापिक्सल की सेल्फी तो ये अच्छा होता, पर इस फोन में नहीं है, दूसरे फोन में आपको मिल जाती है। 3000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, इसमें आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें मिलता है क्योंकि इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट आपको मिलता है। ये अच्छी बात इसीलिए इसमें आपको G7 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक नया चेंज आपको मोटोरोला के फोन में आपको मिल जाता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई जो G7 सीरीज के सभी स्मार्टफोन है इसमें आपको सभी में आपको एक एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है कि आपको सॉफ्टवेयर भी नया वाला आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी सेंसर की बात करते हैं, इसमें जो नॉर्मल सेंसर है वो सभी सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट आपको मिलता है और ब्लूटूथ का 4.2 और 3.5 mm का ऑडियो जैक, टाइप सी का पोर्ट मैंने पहले बताया, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, NFC भी आपको इसमें मिलता है, डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 2 कलर अलग अलग कलर वेरिएंट आपको ऐसे मिल जाते हैं, सिरामिक ब्लैक और क्लियर व्हाइट, ये 2 कलर वेरिएंट आपको मिल जाता है। तो ये था G7। और दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो दूसरा स्मार्टफोन है ये है G7 Plus, तो इसमें आपको 6.2 जो सेम आपको G7 में जो डिस्प्ले मिलती है सेम डिस्प्ले आपको इसमें भी आपको मिल जाती है, जो 6.2 इंच की फुल एचडी प्लस की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है और इसमें फ्रंट में रियर दोनों तरफ आपको ग्लास मिलता है, एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको इसमें मिल जाती है। जो प्रोसेसर की बात है तो चिपसेट में आपको थोड़ा सा चेंज इसमें मिल जाएगा, चिपसेट आपको मिलता है वो स्नैपड्रैगन 636 आपको मिलता है जो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी काम करता है और ये प्रोसेसर भी ऑक्टाकोर पावर है, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है और इसमें एड्रिनो का 509 का आपको जीपीयू मिल जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले ये रेडमी नोट 5 प्रो नोट 6 प्रो के तरह आपको मिल जाता है, लेकिन जो इसमें भी आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल जाता है जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसका कैमरा की बात करें तो कैमरा में रियर कैमरा की बात करें तो इसमें 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है, जो प्राइमरी कैमरा इसका
एपर्चर F1.7 का इसमें एपर्चर मिल जाता है, 1.22 माइक्रोन लार्ज पिक्सल इसमें मिल जाते हैं, लेकिन जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा इसका एपर्चर F2.2 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। ड्यूल टोन LED फ्लैश आपको इसमें मिल जाती है, 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो, 1080p तक 16 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो वो भी जायरो EIS के साथ में, और 120 FPS तक की स्लो मोशन रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, 1.25 माइक्रोन लार्ज पिक्सल इसमें मिल जाते हैं, 1080p तक 13 FPS तक इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये आपको सेल्फी भी अच्छा मिल जाता है। अब बात आती है इसके बैटरी की, तो बैटरी में अभी आपको 3000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, लेकिन इनके 27 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाता है जो एक क्विक चार्ज 4 सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है कि आपको क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। इसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और सॉफ्टवेयर में आपको एंड्रॉइड 9.5 मिल जाता है जो एक आउट ऑफ द बॉक्स आपको सेम आपको मिल जाता है जो सभी डिवाइस में, पहले ही बताया कि G7 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 9.5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है। अब बात आती है इसके कनेक्टिविटी सेंसर की, नॉर्मल जो सेंसर मैंने पहले बताया वो सभी सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट मिलता है, ब्लूटूथ का 5.0 आपको इसमें मिल जाता है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको इसमें मिलने वाला है, टाइप सी का पोर्ट भी आपको मैंने पहले बताया टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है, ड्यूल बैंड वाईफाई इसमें सपोर्ट मिल जाता है, NFC और डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। तो ये थी कनेक्टिविटी सेंसर की बात। इसमें कलर वेरिएंट की बात करते हैं, इसमें भी आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट आपको इसमें मिल जाते हैं, डीप इंडिगो एंड वीवा ग्रेड, ये दो कलर वेरिएंट आपको इसमें मिल जाते हैं, कलर वेरिएंट और डिजाइन बहुत ही अच्छे आपको इसमें मिल जाते हैं। अब बात आती है इसके तीसरे डिवाइस का नाम, जिसका नाम है G7 पावर, जो इसमें आपको पावर से नाम से पता चल जाएगा, इसमें आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छे मिल रहा है, तो इसकी मेन हाईलाइट यही है। तो इसमें अभी आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो डिस्प्ले तो शायद सेम ही मिलती है, पर इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है, 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, ये भी आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलता है, इसमें आपको स्मॉल नॉच मिल जाती है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल नॉच है वैसी आपको नॉच मिल जाती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो Realme 2 है इसमें आपको जो नॉच मिलती है वैसी नॉच आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको मिलने वाला है, लेकिन जो बैक है बैक पैनल वो प्लास्टिक की और एल्यूमिनियम फ्रेम आपको मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, बाकी जो बॉडी और डिजाइन है वो सभी आपको अच्छी मिलने वाली है। लेकिन इसमें भी आपको जो बताना चाहूंगा, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 632 आपको मिलने वाला है चिपसेट में, ये भी आपको 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये ऑक्टाकोर पावर है, इसमें पहले जो चार और दूसरे जो चार कोर है वो दोनों ही आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, लेकिन इसमें एड्रिनो का 506 का आपको GPU मिल जाता है, यानी कि जो G7 था वैसे आपको परफॉर्मेंस इस फोन में मिलने वाली है। लेकिन इसमें आपको दो अलग अलग वेरियंट मिल जाते हैं, जो 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है, जो 3GB वाला वेरियंट है वो US में मिलने वाला है और 4GB वाला वेरिएंट है वो यूरोपियन मार्केट में मिलने वाला है, तो ये अलग अलग आपको मिलने वाला है, तो देखते हैं इंडिया में किन वेरिएंट में आने वाला है ये फोन। लेकिन इसमें आपको इसमें भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल जाता है, इसे 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। अब बात आती है कि रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा में आपको सिंगल रियर कैमरा आपको मिलता है जिसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, F2.0 का इसमें एपर्चर मिल जाता है, सिंगल टोन LED फ्लैश आपको इसमें मिल जाती है, 1080p तक और 4K तक की 13 FPS दोनों में आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो ये भी अच्छी बात है, सिंगल कैमरा से भी आप 4K तक की रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, F2.2 का इसमें एपर्चर मिलता है, 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो G7 और G7 पावर में दोनों में आपको सेल्फी सेम मिलती है। लेकिन जो इसकी मेन हाईलाइट है, इसमें 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको जो फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें मिलने वाला है, 15 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलने वाला है, एंड्रॉइड 9.5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है इसमें भी, तो ये भी अच्छी बात है कि मैंने पहले बताया कि सॉफ्टवेयर आपको सेम आपको एंड्रॉइड 9.5 पे रन करने वाला आपको मिलने वाला है। कनेक्टिविटी सेंसर की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ का 4.2 आपको मिलता है, टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी इसमें मिल जाता है। तो ये बात थी कनेक्टिविटी सेंसर। कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको एक ही कलर वेरिएंट मिलने वाला है जो है नेवी ब्लू, तो एक कलर वेरिएंट आपको इसमें मिलने वाला है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी इस फोन में आपको हाईलाइट जो मेन हाईलाइट है वो 5000 mAh की बैटरी, ज्यादा कुछ इसमें फर्क आपको नहीं मिलता बाकी फोन से। अब बात आती है इसके चौथे डिवाइस की, जो है G7 Play, जो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जिसमें आपको 5.7 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, जो एक 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको बड़ी वाली नॉच आपको मिल जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा किया पर इसमें बड़ी वाली नॉच आपको इसे मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिलने वाला है। लेकिन इसमें जो बॉडी है पूरी की पूरी प्लास्टिक की है, ये बात ध्यान रखें क्योंकि एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, पता नहीं ऐसा क्यों किया मोटरोला ने। लेकिन जो चिपसेट है वो चिपसेट आपको सेम आपको G7 पावर में मिलता था, वैसे आपको
632 आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, इसमें 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में काम करने वाला, ऑक्टाकोर पावर है, पहले दो चार दूसरे दो चार करे 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। लेकिन एड्रिनो का 506 का आपको जीपीयू मिल जाता है, इसमें आपको एक ही वेरियंट आपको मिल रहा है, 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज। ये पता नहीं ऐसा क्यों किया, इसमें अलग वेरियंट दे देना चाहिए पर नहीं दिया, इसमें एंट्री लेवल है इसलिए 2 GB रैम आपको वेरियंट आपको इसमें मिलने वाला है। लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको इसमें मिलने वाला है, जो 128 GB तक इसे एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। इसमें भी आपको सिंगल रियर कैमरा का सेटअप आपको इसमें मिलने वाला है, 13 MP का कैमरा मिलता है, f2.0 का इसमें एपेचर मिलता है, 1.12 माइक्रो लार्ज पिक्सल इसमें मिल जाते हैं, सिंगल टोन LED फ्लैश आपको इसमें मिल जाती है, और 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। जो सेल्फी है वो सेम आपको G7 पावर में मिलती है, वैसे आपको 8 MP की सेल्फी मिल जाती है, f2.2 का इसमें एपर्चर मिलता है, 1.12 माइक्रो लार्ज पिक्सल इसमें मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपको फ्रंट में आपको सिंगल फ्लैश आपको मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है, LED फ्लैश आपको फ्रंट में मिल जाए, यानी कि लो लाइट में भी आप अच्छी सेल्फी खींच सकते हो। जो बैटरी की बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 3000 mAh की आपको बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें आपको 10 V का स्लो चार्जर आपको मिलता है, लेकिन इसमें टाइप सी पोर्ट होने के बावजूद भी इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सैड न्यूज़ है। लेकिन इसमें भी आपको एंड्रॉयड 9 पे आपको इसमें मिल जाता है। कनेक्टिविटी सेंसर की बात करें तो नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट मैंने पहले बताया ट्रिपल स्लॉट आपको इसमें मिलने वाला है, ब्लूटूथ का 4.2 आपको मिलने वाला है, टाइप सी का पोर्ट मैंने पहले बताया इसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट मिला है, जो एंट्री लेवल है इसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इसमें मिलता है। लेकिन अब बात आती कलर वेरियंट की, तो इसमें आपको 2 कलर वेरियंट आपको मिल जाए, डीप इंडिगो और फाइन गोल्ड, ये 2 कलर आपको मिल जाते हैं। तो ये थी चारों फोन की स्पेसिफिकेशन। अब बात आती है इसकी चारों फोन की जो प्राइस है, जो रफली जो प्राइस है, जो US और यूरोपियन मार्केट की जो प्राइस है, इसमें कन्वर्ट करके मैंने जो ये लिखी हुई है, तो जो पहली G7 की प्राइस है वो 21,300 की प्राइस हो जाती है, जो US की प्राइस से कन्वर्ट करते हैं तो, और G7 प्लस की जो प्राइस है वो 24,500 की प्राइस हो जाती है, और G7 पावर है इसकी प्राइस 17,800 की प्राइस हो जाती है, और G7 प्ले है जो एंट्री लेवल है इसकी प्राइस 14,200 की प्राइस हो जाती है। तो प्राइस देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा प्राइस है, देखते हैं कि इंडिया में जो प्राइस आएगी तो कैसा रहेगा, पर इसमें कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं कि इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब लॉन्च होने वाला है। तो ये थी ये G7 सीरीज की स्पेसिफिकेशन वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।